हेलो फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रेसिपी में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने इस स्वीट को ड्रैगन फ्रूट से बनाया हुआ है और इस रेसिपी का नाम है ड्रैगन फ्रूट बाइट। और वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी स्वीट की रेसिपी अपलोड करके रखी हुई है, उसे भी आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये ड्रैगन फ्रूट बाइट की रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। इसके लिए हमने गिव अवे प्लान किया हुआ है और इसके डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अब ड्रैगन फ्रूट बाइट्स बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। ड्रैगन फ्रूट बाइट्स बनाने के लिए हमने ये सामग्री ली है। मैंने एक ड्रैगन फ्रूट लिया हुआ है। ये ड्रैगन फ्रूट दो टाइप्स के मिलते हैं इंडिया में। एक ड्रैगन फ्रूट जो होता है अंदर से वाइट होता है और एक अंदर से जो होता है वो रेड होता है। ये मैंने वाइट कलर का ड्रैगन फ्रूट लिया हुआ है। रेड कलर का जो ड्रैगन फ्रूट है वो इजीली नहीं अवेलेबल होता है, पर टेस्ट में दोनों सेम होते हैं। अब इसे मैं कट करूँगी। इस प्रकार से इसे हम कट करेंगे और ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये टेस्टलेस होता है। आप इसके बहुत सारे डिश बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब इस ड्रैगन फ्रूट को मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगी और जो फ्रूट है उसे मैं छिलके में से निकालूंगी। मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे इस तरीके से हम छिलके को पीछे खींचेंगे तो हमारा जो फ्रूट है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारे फ्रूट को हम निकाल लेंगे। इस ड्रैगन फ्रूट से आप केक भी बना सकते हैं, इसका स्मूथी भी बना सकते हैं, पर आज मैं इसका मिठाई बना रही हूँ। अब सारे ड्रैगन फ्रूट को मैंने छिलके में से निकाल लिया है और उसे मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिए हुए हैं। अब इन सारे पीसेस को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगी इसका पेस्ट तैयार करने के लिए। अब इसमें मैं रेड फूड कलर ऐड करने वाली हूँ। अगर रेड ड्रैगन फ्रूट रहता तो फूड कलर का हमें यूज़ नहीं होता, पर इसे मैं रेड ड्रैगन फ्रूट के जैसे बनाने के लिए थोड़ा सा रेड कलर ऐड करने वाली हूँ। और हमारे मिठाई का कलर बहुत अच्छा है इसलिए हम ये फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। अब इसे ढक्कन लगा के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमारे जो ड्रैगन फ्रूट का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। पर जो नेचुरल रेड वाला ड्रैगन फ्रूट का कलर होता है ना, वो इस तरीके से नहीं होता। मैंने फूड कलर ऐड किया हुआ है इसलिए इसका कलर ऐसा आया हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ये 200 ग्राम के करीब कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है और हमें इसे अभी फ्लेम पर नहीं रखना है। अब मैंने ये 150 ग्राम के करीब शुगर पाउडर लिया है। शुगर पाउडर बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको छलनी से छान लें। मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ कप के करीब कोकोनट मिल्क यूज़ करूँगी। ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है और इसका अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसे आप घर में भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोकोनट को कट करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते समय इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें और फिर छलनी से छान लें तो आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये व्हिप क्रीम लिया हुआ है। क्रीम को व्हिप किस तरीके से किया जाए उसकी रेसिपी आपको मेरे ब्लैक फॉरेस्ट केक के रेसिपी में मिल जाएगी। और ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया हुआ है। अब इसमें मैं 250 ml के करीब ठंडा मिल्क ऐड करूंगी। अब सारी सामग्रियों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और याद रखें कि एक भी लम्स ना रहे। और मिक्स करने के बाद इसे हम गैस पे लेके जाएंगे। अब सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है और मैंने गैस का फ्लेम मीडियम करके ही रखा हुआ है और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। अगर हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये तले पे लग जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा बस उबाल आए तब तक का हमें वेट करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू ऐसे ही चलाया हुआ है। अब इसमें हल्का सा उबाल आ चुका है। अब हमने जो ड्रैगन फ्रूट का पेस्ट तैयार किया हुआ है वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे
और फिर इसे कंटिन्यू ऐसे मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। जब तक ये पूरा थिक ना हो जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है। और इसमें हमें कोई भी ड्राई फ्रूट या इलायची पाउडर कुछ भी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारे इसका फ्लेवर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसे मैंने कंटिन्यू 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे चलाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे ड्रैगन फ्रूट बाइट का मिश्रण है वो पूरी तरीके से थिक हो चुका है और ये पैन से भी अलग हो रहा है। अब हमारा जो ड्रैगन फ्रूट बाइट का मिश्रण है वो रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे सेट करने के लिए हम लेके चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। मैंने एक कंटेनर लिया है, उसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और सारे मिश्रण को अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सारे मिश्रण को हमने कंटेनर में ऐड कर लिया हुआ है। अब इसे स्पैचुला से हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब हमारा जो ड्रैगन फ्रूट बाइट का मिश्रण है वो सेट होने के लिए तैयार हो चुका है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसे अनमोल्ड करेंगे हम, और अनमोल्ड करने के बाद इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। मैं इसे स्क्वायर शेप में काटूंगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब एक पीस मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी बना हुआ है। और आप अपने पसंद के अनुसार इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसे मैं ड्राई कोकोनट पाउडर से कोटिंग करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारा एक ड्रैगन फ्रूट बाइट रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे ड्रैगन फ्रूट बाइट रेडी कर लेंगे। हेलो फूड लवर, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, उसके लिए मैंने गिव अवे रखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पार्टिसिपेट कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस ड्रैगन फ्रूट बाइट की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।